नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया पर कल्याणी महाजन के साथ। इतिहास और मान्यताओं के बीच कश्मकश में उलझी भक्तों की आस्था और खंडवा जिला प्रशासन की मुहिम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर न्यूज 29 इंडिया की खास रिपोर्ट में। ओंकारेश्वर मंदिर में एक दीवार के पीछे मूल ज्योतिर्लिंग होने के अनुमान के चलते एक साल पहले खुदाई शुरू की गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 3D सर्वे के बाद अंदर मुख्य ज्योतिर्लिंग होने का अनुमान लगाया और मंदिर के रहस्य को सामने आने के उद्देश्य से ये कवायद शुरू की गई। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह को लेकर काफी रहस्य मंदिर परिसर में छिपे हुए हैं। इस बात को लेकर पूरे देश के धर्मगुरुओं एवं श्रद्धालुओं में तरह तरह की चर्चा बनी रहती है, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा पिछले कई महीनों से मंदिर परिसर में 3D सर्वे कराया जा रहा था। ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे बने पौराणिक मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अति पौराणिक ज्योतिर्लिंग होने की संभावना जताई जा रही थी, जिसको लेकर लंबे समय से पुरातत्व विभाग मंदिर को लेकर काम कर रहा था एवं डिजिटलाइज सर्वे करा रहा था। इसी कड़ी में पुरातत्व विभाग की टीम एवं खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले सहित मानदाता SDM एवं प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में पुरातत्व विभाग की टीम ने मंदिर में पहुंचकर मंदिर के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया। तो खुदाई का सिलसिला चल रहा है और आपने अनुमान लगाया कि यहाँ पर मंदिर निकलेगा या भगवान की मूर्ति निकलेगी, ये सब चीज़ें कहाँ से मालूम पड़ी है और किस अनुमान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है? मैं इसमें थोड़े से करेक्शंस करूँगा आपका। पहली चीज़, ये खुदाई नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था जिसमें कि एक छोटा सा कोरिंग किया गया है। तो कोरिंग में एक बहुत सिलेक्टिव एरिया में एक इंस्पेक्शन चैम्बर क्रिएट किया जाता है, एक ड्रिल किया जाता है और उस ड्रिल के थ्रू हम अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैमरा, पेरिस्कोप जिसको कहते हैं या एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, वो करके अंदर का वातावरण का अनुमान लगाते हैं। हमने जो सर्वेस किया था उसमें हमें कुछ चैम्बर्स नज़र आए थे जो शिखर के नीचे हैं, तो हम ये पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं कि उसमें शिवलिंग है या नहीं है या उस चैम्बर की संरचना का बेसिक उद्देश्य क्या था, लेकिन क्योंकि वो चैम्बर्स हमें आइडेंटिफाई हो रहे थे। और दूसरी चीज़ यह थी कि जो हम पूरी शिखर की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं उसमें उसका एक महत्वपूर्ण रोल है, तो इन दो चीज़ों को पुष्टि करते हुए इसकी एक फिजिकल इन्वेस्टिगेशन की कवायद की गई और उसमें ये एक कोरिंग की गई जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स के अंदर आती है। तो उस कोरिंग को हमने किया और इसमें हमने जो पाया कि चैम्बर्स डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो गए हैं, लेकिन वो अभी सैंड फिल्ड है, तो जिससे हमें यह पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में इसकी फिलिंग की गई है। जब हम कुछ साल कहते हैं तो इसका मतलब है तकरीबन 1960-70 के दशक में या उस दौरान इसकी फिलिंग की गई है। तो अभी आगे का जो है हम एडिशनल एडवांस टेक्निक्स यूज़ करेंगे टू आइडेंटिफाई कि ये फिलिंग पूरे गर्भगृह में है या थोड़े इलाकों में है, तो वो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही अगला स्टेप लिया जाएगा। ये जो तमाम कवायदें जो की जा रही है इसके अंदर जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरीके से वो अपना अपना काम को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, इसमें मंदिर का ट्रस्ट है, पुजारी लोग हमारे साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं, यहाँ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था है संरक्षण हेरिटेज कंसल्टेंट्स, हम लोग इस पूरे कवायद को एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इस पूरे इसमें जो भी हमारे कार्यशैली है वो एक इंटरनेशनली डिफाइंड स्ट्रेटजी के अंदर की जा रही है, जिसमें कि जो नॉर्म्स होते हैं हेरिटेज बिल्डिंग्स में कंजर्वेशन के, उसको फॉलो करते हुए हम ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। आगे क्या उम्मीद की जाए सर इसके लिए? इसमें अभी हम फर्दर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मलबा भरा हुआ है वो आइडेंटिफाई करके उसके बाद एक एडिशनल इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे जो कि ज़्यादा सटीक होगी और एक अच्छे परिणाम जिससे हमें मिल सकते हैं।
ठीक सर, अपना पूरा परिचय देते सर। मेरा नाम मुनीश पंडित है, मैं कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ और डायरेक्टर हूँ संरक्षण हेरिटेज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का। ये एक दिल्ली बेस्ड हेरिटेज कंजर्वेशन आर्किटेक्चरल फॉर्म है और पिछले 22 सालों से हम लोग आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन मॉन्यूमेंट्स की रेस्टोरेशन के ऊपर काम करते आ रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू। भारत के पौराणिक शास्त्रों एवं धार्मिक किताबों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महत्ता बताई गई है एवं कई हजार साल पुराना ज्योतिर्लिंग होने की बात कही गई है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। भारत सहित भारत के बाहर रहने वाले श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नीचे गर्भगृह के अंदर कई रहस्य छुपे होने को लेकर चर्चा बनी रहती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग और उसके गर्भगृह को लेकर स्थानीय संतों और पुरातत्वविदों का मानना है कि इसका मूल गर्भगृह आज भी बंद है। शंका की वजह है वर्तमान गर्भगृह में नंदी की प्रतिभा का ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने न होना। अन्य सभी 11 ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में शिवलिंग या प्रतिभा के ठीक सामने नंदी की प्रतिभा स्थापित है, लेकिन ओंकारेश्वर मंदिर में नंदी के ठीक सामने दीवार है, जबकि ज्योतिर्लिंग की मान्यता वाले शिवलिंग मंदिर के एक कोने में स्थापित है। यही नहीं, 5 मंजिला मंदिर में 4 मंदिर महाकाल, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी मंदिर के गर्भगृह भी एक सीध में है, जबकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिखर मंदिर परिसर में अलग है। खंडवा से संजय चौबे की रिपोर्ट। धर्म का मामला है, धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसके पे सारे हिंदू धर्म के और जितने हमारे शंकराचार्य जी हैं उनको भी विश्वास में लेके और ये कुछ किया जाए, नहीं तो सब धर्म के जो आस्था है उसमें किसी भी तरह का कोई होगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। प्रशासनिक द्वारा ये काम किया जा रहा है, इसमें राव परिवार जो है इसमें आपके क्या मत है? नहीं, वो हमारा तो मत ये है कि इसको व्यवस्थित किया जाए, पर ये जगह जगह ये कर रहे हैं ना, इससे कभी जरा सा भी कोई पत्थर टूटा ये हुआ तो शिवलिंग शरण वैसे हो रहा किसी तरह का वो हो जाएगा तो मतलब कि सारा काम ही खत्म हो जाएगा। यानी कि धर्म के नाम पर जो ये काम हो रहा है, धर्म की खोज को लेकर, मूर्ति को खोज को लेकर और नए नए अन्वेषण हो रहे हैं उसको लेकर ये जो अभी हाल खुदाई चल रही है उसके अंदर आपका राव परिवार, चूंकि आप इस राजशाही घराने से जुड़े हुए हैं, आपका क्या सोच कहती है, क्या होना चाहिए? नहीं सर, इसमें क्या है कि ये धर्म का मामला है तो इसमें प्रशासन अपने मन की करके कुछ भी करता है तो ये धार्मिक संस्था से जुड़ा है और हमारे स्वयंभू है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो इसे तोड़ फोड़ में कभी किसी तरीके का कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, वो हो गया तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, हो ही नहीं पाएगी ना सर, तो इसको बड़ी सोच समझ के किया जाए। और ये जो ऊपर से खोद रहे हैं ना ये तो 100% ही गलत है। ठीक, थैंक यू। कुछ वो कर रहा है, आपने क्या मामला था, आपने जो पीसी बुलाई थी? देखिए, खुदाई तो नहीं की गई है, परंतु हमारी टीम विगत 2 माहों से ओंकारेश्वर मंदिर और उसके आसपास की संरचनाओं पर सर्वे का कार्य कर रही है। इसी तारतम्य में हमारी टीम ने जूना महल को संरक्षित करके बाहर निकाला है और बहुत सुंदर संरचना बाहर आई है। इसी प्रकार आशापुरी मंदिर में भी बहुत सुंदर संरचना बाहर आई है। उसी तारतम्य में ओंकारेश्वर मंदिर का भी हमारी टीम ने एक 3D सर्वे किया हुआ था, जिसमें यह पाया गया कि कक्षनुमा संरचना शिखर के ठीक नीचे है, जो कि संभावित तौर पर गर्भगृह भी हो सकता है। अब इसकी पुष्टि के लिए ही हमारी सर्वे टीम ने अंदर कैमरा डालने का प्रयास किया है, ताकि कैमरे के माध्यम से देखा जा सके कि वास्तव में वो गर्भगृह है कि नहीं। परंतु वहाँ पर पुराने ज़माने में ऐसा बताया जाता है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि वहाँ पर रेत और मलबा भर दिया गया था, तो आज कैमरा डालने के में रेत और मिट्टी ने अवरोध किया है। अब हमारी टीम पुनः उसका सर्वे करेगी और परीक्षण रिपोर्ट हम सबके सामने रखेगी, तो उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि उसके संबंध में क्या किया जाता है। क्या अनुमान लगाया जा सकता है सर के आने वाले कल के अंदर नए महादेव दर्शन देंगे? जैसे कि पुरानी मान्यताएं हैं कि भगवान जी हमेशा शिखर के नीचे और गर्भगृह में ही विराजित होते हैं, तो उस आधार पर जो हमारा 3D सर्वे का डेटा भी बता रहा है कि शिखर के ठीक नीचे एक संरचना मिली है जो कि गर्भगृह हो भी सकती है
अब उसके अंदर क्या है और कैसा है ये फिर अब हम लोग सर्वे के आधार पर ही बता पाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे न्यूज 29 इंडिया के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आस्थाओं और मान्यताओं पर जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग के प्रयासों की मुहिम पर खास रिपोर्ट। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।